हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। अभी अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि वहां भारत के साथ सभी इश्यूज पर बात करने के लिए तैयार है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर बोथ कंट्रीज, यानी दोनों देशों के लिए युद्ध कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वे गरीबी और बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम की ये टिप्पणी ऐसे टाइम आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे पर तनाव बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को अचानक ऐसा क्या हो गया? दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? डिस्कस करेंगे कि उन्होंने इसके अलावा और क्या क्या कहा, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, भारत का इस पर क्या पक्ष है, इन सभी बातों को समझेंगे। एक्चुअली हुआ ये कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर पाकिस्तान मिनरल समिट हो रही है और इस समिट के उद्घाटन के दौरान शहबाज शरीफ ने इस इश्यू को उठाया कि वी आर रेडी टू होल्ड टॉक विद इंडिया ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज। भारत की ओर इशारा करते हुए आगे उन्होंने और कहा कि हम हर किसी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ भी, बशर्ते कि पड़ोसी बातचीत को लेकर गंभीर हो क्योंकि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। उनका इंटेंशन भारत की तरफ था। और क्या क्या कहा ये भी समझते हैं। उनके पीएम ने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्धों के इतिहास के बारे में बात की कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए यानी जितनी भी वार हुई उनके परिणाम ये निकल कर आए, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई, शिक्षा स्वास्थ्य और लोगों की भलाई के लिए बड़े पैमाने पर रिसोर्सेस की कमी हो गई। आगे उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिफेंसिव पर्पस के लिए है ना कि एग्रेशन के लिए, क्योंकि अगर कोई परमाणु टकराव होता है तो कौन बताएगा कि क्या हुआ, इसलिए युद्ध कोई विकल्प नहीं है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट के डार्क साइड से अवेयर है बट इंडिया शुड ऑल्सो रियलाइज इट। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पड़ोसी, उनका कहने का मतलब भारत से था, कि भारत को ये समझना होगा हम तब तक सामान्य पड़ोसी नहीं बन सकते जब तक अब एबनॉर्मलिटीज दूर नहीं हो जाती और जब तक हमारे गंभीर मुद्दों को समझा नहीं जाता एंड पीसफुल एंड मीनिंगफुल डिस्कशन के जरिए हमारे सीरियस इश्यूज को समझा नहीं जाता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ये लेक्चर अजीब नहीं लगते? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। एक एक करके देखते हैं। इनके प्रधानमंत्री का ये कहना है कि इनकी परमाणु क्षमता रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए है ना कि आक्रामकता के लिए। लेकिन ये सच बात है क्या? आए दिन उनके मंत्री भारत को परमाणु हथियार की धमकी देते रहते हैं। सेकंड चीज, इनने अपने इस लेक्चर में ये कहा कि हम तब तक सामान्य पड़ोसी नहीं बन सकते जब तक एबनॉर्मलिटीज दूर नहीं हो जाती, भारत हमारे गंभीर मुद्दों को समझे और शांतिपूर्ण एवं सार्थक चर्चा के जरिए हम मिलकर समाधान निकालें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान भारत के गंभीर मुद्दों को समझता है? बिल्कुल नहीं। भारत ही नहीं पूरे विश्व को ये पता है कि पाकिस्तान किस तरह भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट करता है। थर्ड, शहबाज शरीफ का ये कहना है कि वहाँ भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है बशर्ते भारत बातचीत के लिए सीरियस हो। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत हमेशा बातचीत के लिए सीरियस रहता है। भारत जब से आजाद हुआ है तभी से लेकर हमेशा पाकिस्तान को ये समझाता रहा है कि आइए बातचीत कीजिए, हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को मत फैलाइए। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। इसका रिजल्ट ये निकला कि भारत ने बातचीत करना ही बंद कर दी। अब ये हो रहा है कि जो बात पहले भारत पाकिस्तान से करता था अब उस बात के लिए पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनके प्रधानमंत्री को अचानक हुआ क्या, आखिर क्यों इनको भारत की याद आ गई? फ्रेंड्स, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन एंड सेकंड वहां की इकोनॉमी। जब जब वहां पर जनरल इलेक्शन होते हैं उन्हें भारत की याद आ जाती है क्योंकि पब्लिक को क्या मुंह दिखाएंगे। जब इन लोगों का इलेक्शन कैंपेन चलता है तो इनके इलेक्शन में ये दो बात मुख्य रूप से उठाते हैं। एक ये कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करेंगे। सेकंड, कश्मीर मुद्दे पर शांतिपूर्ण हल निकालेंगे।
और ये इतिहास से होता आ रहा है। हर इलेक्शन में ये जनता से यही वादे करते हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं, पूरे टाइम चीन की गोद में बैठे रहते हैं, और जब पता चलता है कि इलेक्शन आने वाला है, टाइम नहीं बचा है, तो फिर से भारत की ओर बातचीत करने के लिए दौड़ते हैं। जाहिर है इसका एक पक्ष तो पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन है, क्योंकि यहाँ टिप्पणी ऐसे टाइम में आई है जब उनकी सरकार के 5 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और उन्हें चुनाव का सामना करना पड़ेगा। इसी के चलते उन्होंने अपने नेशनल असेंबली को कुछ दिन पहले ही भंग कर दिया ताकि उनके पास चुनाव की तैयारी के लिए टाइम मिल सके। इस लेक्चर का दूसरा पक्ष ये है कि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था नकदी संकट से जूझ रही है, वहां पर स्टेबिलिटी है नहीं, इसके चलते कोई सी भी कंपनी वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। गरीबी और बेरोजगारी की मार बुरी तरह पड़ रही है, फॉरेन रिजर्व उनका खत्म हो चुका है, अपने ऊपर इतना कर्जा कर लिया कि अब तो उसके सहयोगी देश भी उसको लोन नहीं दे रहे हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते सामान्य हो जाएं, ताकि कुछ मदद भारत की तरफ से भी हो जाए। लेकिन भारत का सोचना पाकिस्तान से पूरी तरह अलग है। जम्मू कश्मीर पर भारत का क्लियर स्टैंड है कि वहां भारत का हिस्सा है, इसलिए आप इन चीजों को भूल ही जाओ तो बेहतर है। आपको पता होगा कि अगस्त 2019 से इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली के बीच बायलेटरल टाइज काफी तनावपूर्ण रहे हैं। उसका रीजन ये था कि भारत ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बदल दिया था, और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये पहले ही क्लियर कर दिया कि जब तक सीमा पार आतंकवाद की नीति को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक भारत के लिए पड़ोसी देश के साथ सामान्य संबंध रखना संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक मेज पर नहीं हो सकती, और हम इसे पाकिस्तान के साथ चर्चा का आधार नहीं बनने दे सकते। कुल मिलाकर देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के बायलेटरल टाइज बहुत खराब सिचुएशन में चले गए हैं। उसका रीजन है कि पाकिस्तान अपनी टेररिज्म की पॉलिसी नहीं छोड़ना चाहता, और भारत का कहना तो साफ है, आप अपनी आतंकवाद की नीति छोड़ दीजिए, लेकिन वो सुधरता ही नहीं है। जैसे ही वहां पर चुनाव खत्म होंगे, फिर से वही राग अलापना शुरू कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।